दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जब दिल्ली मैदान पर आज शुरू हुआ तो रविवार का दिन होने के कारण दर्शकों का हुजूम मैदान पर मौजूद था और कल के दिन का खेल आगे शुरू हुआ। दोनों नॉट आउट खिलाड़ी ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन संभल कर खेल रहे थे। तभी मैच के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की बॉल से ट्रेविस हेड चकमा खा गए और 46 गेंद में 43 रन पर विकेट के पीछे खड़े भारतीय विकेटकीपर शिखर भारत ने कोई गलती नहीं की और उस्मान ख्वाजा 13 बॉल में 6 रन के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोरबोर्ड पर 65 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद बारी रविंद्र जडेजा की थी। मैच में उनकी गेंद विकेट पर ऐसे घूम रही थी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बिना देखे बल्ला भांज रहे थे, पर जडेजा की गेंद कभी उन्हें क्लीन बोल्ड कर रही थी तो कभी उनके बल्ले का किनारा छूकर भारतीय फील्डर्स के हाथों में पकड़ी जा रही थी। जडेजा की स्पिन से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मार्नस लबुशेन बीट हुए। लबुशेन जब तक अपना बल्ला भांजते उससे पहले ही जडेजा की गेंद उनका विकेट उखाड़ चुकी थी और वो 50 गेंद पर 35 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद तो दिल्ली मैदान पर सर जडेजा की गेंद ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ऐसा छकाया जो आज रात सपने में भी उन्हें ज़रूर याद आएगी। लबुशेन के बाद अश्विन ने स्मिथ को उस वक्त LBW कर दिया जब वो 19 गेंद पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद मोहम्मद सिराज की बाउंसर से घायल हुए डेविड वार्नर के सब्स्टिट्यूट के रूप में खेल रहे मैट रैनशॉ की बारी थी। मैच के 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब वो 8 गेंद पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे, अश्विन ने उन्हें LBW कर दिया। इसके बाद दिल्ली मैदान पर जो हुआ उसने इस मैच का रोमांच और बढ़ा दिया। जडेजा की घूमती गेंद पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एक एक कर मैदान पर आते गए और जडेजा को विकेट देकर पवेलियन लौटते गए। पीटर हैंडस्कॉब को जडेजा ने जहां डक पर आउट किया, वहीं एलेक्स कैरी ने 10 गेंद पर 7 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर कप्तान पैट कमिंस आए, उन्हें जडेजा ने अपनी फिरकी से बीट किया और वे डक पर वापस लौट गए। फिर नाथन लियोन 21 गेंद पर 8 रन और मैट कुहनेमन डक पर जडेजा के अगले शिकार बने। दूसरे छोर पर खड़े टॉड मर्फी देखते रहे और उनके साथी एक एक कर आउट होकर पवेलियन लौटते रहे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जडेजा की गेंद लट्टू की तरह घूम रही थी और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को सब सपने जैसा लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने 12.1 ओवर में 42 रन देकर 7 विकेट लिए, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। रही सही कसर रविचंद्रन अश्विन ने निकाल दी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में 16 ओवर में 59 रन पर 3 विकेट लिए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 10 विकेट पर 263 रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग्स में 10 विकेट पर महज 113 रन बना पाई। इसके बाद अब बारी इंडिया की थी। रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। शर्मा ने 20 बॉल में 31 रन और राहुल ने एक गेंद में 3 रन बनाए। इसके बाद पुजारा आए, वो 74 गेंद पर 31 रन बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे और अपने 100वें टेस्ट की दूसरी पारी को यादगार बना दिया। अब बारी विराट कोहली की थी जो अपने होम ग्राउंड्स पर खेल रहे थे। कोहली ने आउट होने से पहले 31 बॉल पर 20 रन बनाए। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने 10 गेंद में 12 रन बनाए और उनके बाद बारी शिखर भारत की आई। शिखर भारत ने 22 गेंद पर 23 रन बनाए और इस तरह भारत ने पहली इनिंग्स में 10 विकेट पर 262 रन और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 118 रन बनाकर दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नागपुर के बाद दिल्ली में भी जडेजा और अश्विन ने 16 विकेट लिए, पर आज दिल्ली की पिच पर घूमती जडेजा की गेंद ऑस्ट्रेलियन खेमे को सालों तक याद रहेगी। इस मैच में 9 विकेट लेकर जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच बने और ये याद दिलाया कि क्यों पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उन्हें और उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें प्यार से सर कहते थे। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड टेस्ट पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह की और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू।